ए हटाना यहाँ से सब। सर, स्टैलिन जॉन, तो तुम थिएटर चलाते हो? हाँ सर। तो यहाँ कैसे? क्योंकि फिल्म नहीं चल रही सर। तो तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा हमें। एक बार रख कर तो देखिए, पूरा गांव सुधर जाएगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। बिल्कुल सही सुना है सर, मैं सच में खतरनाक हूँ। ओह, इसीलिए सदाशिव भाई ने पुलिस को भेजकर मुझे पकड़वा दिया। वो मुझे मार भी तो सकता था। मैं केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी खतरनाक हूँ। लेके जाओ इसे। हमारा कुत्ता हमसे नाराज है, इसलिए हमारे साथ नहीं आया। भाई अगर वो आपको देखेगा तो भाग के आ जाएगा। चलो इधर रखो। मैं अभी उन्हें क्या बोलूंगा? कुछ भी बोल दो। मेरी प्यारी डार्लिंग, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बोलता तो मना कर देती। तुम ये काम करो, वो लोग बाहर हैं, अभी देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही कहती ना। कितने पैसे चाहिए? बहुत ही कम। कम का क्या मतलब है? बहुत ही कम मतलब, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। कम से कम 60 लाख रुपए। एक बात पूछूं, सच बोलोगे ना? सच बताऊंगा। हमारा डॉग कहाँ है? मार दिया मैंने। वो हमारे साथ इतने सालों से था। सुनो, इंसान से ज्यादा हम डॉग पे विश्वास कर सकते हैं। उसने हमारे साथ गड़बड़ की, इंसान भी होता तो मार देता, इसीलिए मार दिया। ये सब कौन है? आज से पहले इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा मैंने। काट डालो भाई। डाल रहा हूँ ना। यहाँ काट डालो पीछे पड़ जाते हो यार। क्या हुआ, हार रहे हो क्या? आज तो सारी बाजी हाथ से जा रही है, क्या करें, लग ठीक नहीं है आज। जितना गवाया है सारा का सारा निकालना। खेलना नहीं आता तो क्यों खेलने आता है? तुम लोग शांत मत कर। आप मुझे मत सिखा। चल 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 चल, शांत हो जाओ। मैं क्यों बाहर जा? अभी बाहर जा। सदाशिव भाई, 2 साल मैंने लीज पे लिया था, अभी भी 6 महीने पूरे बाकी हैं। मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? स्टालिन, ये पार्टी ऑफिस है, तुम्हारी दुख भरी बातें सुनने की जगह नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ सदाशिव भाई। जब आपने शुरू में कम्युनिज्म की बातों पर भाषण दिया था ना, तब से उस पार्टी का मेंबर हूँ मैं। ओह, अनुभवी हो। कम्युनिस्ट होकर भी अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए जगह खाली नहीं करोगे, हाँ? मैं केवल कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं करता, बल्कि मैं उसे फॉलो भी करता हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण तो आपको पता ही होगा, इसलिए जो कम्युनिज्म की बातें करते हैं उनको वहां मत भेजो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। किसी को शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि स्टालिन कौन है। मैं थोड़ा अनपढ़ हूं ना। ऋषि भाई, राजमणि भाई से मिलना है। राजमणि भाई तो है नहीं। बहुत चतुर हो, XXX किताबें पढ़ते हो। राजमणि भाई कहाँ पर हैं? साहब जी हाईकमांड से मिलने दिल्ली गए हुए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? खास बात होगी तो दिखाएगा। हाँ ये देखो ना। अरे ये नहीं, अरे वो कहाँ है वो बताओ। अरे ये साइज तो देखा हूँ, बड़ा साइज हो तो बता। सिगरेट है क्या? मेरे पास सिगरेट नहीं है, एक तो मेरे पास था। तो ये क्या है? यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। क्या कहा? हाँ ये पवित्र किताबें पढ़ने वाली जगह है, चलो बाहर पीते हैं। तुम्हारी दिल्ली की कहानी पे विश्वास नहीं करूंगा मैं। फोन स्विच ऑफ करके आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा, भी मारूंगा और उसे भी। राजमणि भाई, दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। जाओ ना यार, मतलब कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ऑर्डर है, ये सब जल्दी बंद करो। ये सब लोगों की भलाई के लिए है। ठीक है सर, ओके सर। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी अभी एसपी के साथ बात हुई, मैं अभी कुछ नहीं भूलूंगा, लेकिन कल अगर किसी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। स्टालिन, हाँ? तुम अभी बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो और तुम्हारी हिम्मत भी बहुत बढ़ गई है, सही कहा ना? सर, सुबह 10 बजे खेल शुरू होगा और रात 2 बजे तक चलेगा। अगर आप मुझे अरेस्ट करने आओगे मत करो ऐसा, तुम अंदर चले जाओगे। मैं तुम्हारी वकील हूँ इसलिए समझा रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस देश में सबकी अपने अपने काम की एक लिमिट होती है। विजय माल्या के लिए भी लिमिट है और स्टालिन जॉन के लिए भी। तुम्हारे नाम से इतने सारे केसेस हैं स्टालिन, तुम अपनी लिमिट पार कर चुके हो। अगर फिर से तुम वही काम करोगे तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। दीदी, स्कूल टाइम से ही मैं खतरनाक हूँ। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो और वो चाहे मुझ पर कितना भी वार करे, बस मैं केवल उसे एक बार मारूंगा। उसके लिए इतना ही काफी होगा, क्योंकि अब मैं वापस से सदाशिव के थिएटर में टिकट नहीं बेचना चाहता हूँ। समझ गई ना? गवाहों से ये पता चला है कि ये ब्लास्ट इसी ने किया है। ब्लास्ट में सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। ये अदालत इसे 4 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना भरने का हुक्म देती है। खत्म हुआ ऐसे मत समझना। कोर्ट है भाई साहब, मैं तुझे अपना असली रूप दिखा के रहूंगा। तू जेल जा रहा है ना, तुझे वहाँ खत्म करूंगा। अरे ब्रो, ये जो ब्लास्ट हुआ है वो गैस सिलेंडर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 डायनामाइट रखे थे पर वो नहीं फटे। इसीलिए वहाँ पर जाना तो संभल के जाना, क्योंकि अगर वो फटेगा तो उसमें नाम तुम्हारा ही आएगा। समझ गया ना ब्रो? चलता हूँ मैं। चलो चलो, लाइन से लाइन से चलो। अरे और कितना चाहिए तुझे? ए लड़के बनने दो सालों को। चलो 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 चलो, ए लड़के तो कमाल क्या देख रहे हो? चुपचाप ना खाओ और अपने। अब तो जल्दी से बता, क्यों मारा था मुझे? अरे पैसे मिले थे इसीलिए मारा तुझे मैंने। आजा आना आजा क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? रोको उन्हें। नहीं सर, रहने दीजिए, ऑलरेडी मैंने इसको बहुत मार दिया। चलो 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 अपने अपने बैरक में। किचन में ड्यूटी था। नाम क्या है? मजीद अब्दुल रहमान। लिख लिया मैंने। ब्लास्ट केस में अंदर आए हो? कोई और काम है? स्टालिन, मुझे मारने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो। जब मैं मंगलापुरम में था तब वहाँ एक लड़ाई की केस में मेरा नाम आने की वजह से मुझे अंदर कर दिया गया। वैसे केस तो मर्डर का है, पर मैंने मर्डर नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने बहुत गलत काम किया। उसके बावजूद भी उस केस में मेरा नाम नहीं आया। हम यहाँ से भाग चले। क्या क्या कहा? हम दोनों एक साथ आ जाएंगे तो बहुत काम हो सकता है। जेल से भागना है क्या? नहीं नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल। तुम मेरा साथ दोगे तो वो आदमी हमारी मदद करेगा। इस जेल में मेरी बहुत पहचान है। माजिद, जो हमारी इतने सालों से दोस्ती है, केवल मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तुम ऐसा करने की सोचना भी मत। चुप चुप के क्या बात कर रहे हो? जेल से भागने का प्लान है क्या? हाँ सर, हमने अंडरग्राउंड रास्ता बना लिया है। वो आदमी तुमसे मिलना चाहता है, जाके मिल लो उससे। मैं यहाँ अंदर हूँ, अब उससे जाकर कैसे मिलूंगा? वो आदमी अंदर ही है। अगर तुम राजी हो तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्यों? आखिर मैं उसकी बात क्यों मानूँ? मेरे साथ चलोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पद्मनाभन नायर 500 करोड़, सोलमन पठान। इस शराब के ख़त्म होने से पहले सब कुछ भूलना ही ठीक होगा। कौन मरना चाहता है? मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए तो हम हमारी सज़ा ख़त्म होने से पहले बाहर आ गए। हम उसका काम करने थोड़ी आए हैं। तो फिर तुम मुझे जेल से बाहर क्यों लेकर आए? हाँ, मैं किसी को भी बाहर थोड़ी लाता। वहाँ सब लोग मेरी वजह से जेल नहीं गए थे। अब मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। तुमने सोलमन के बारे में सुना है ना? अगर तुम यहाँ से हटे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या तुम्हारी बाइक कितने किलोमीटर चली है ये भी उन्हें अच्छे से पता है, समझे? और मेरी माँ कितनी पेंशन लेती, वो भी। वो हमें कैसे भी करके ढूंढ लेगा। कीड़े की तरह मरने से तो अच्छा है कि हम सामना करके मरे। पद्मा सर ने तुम लोगों को भेजा है ना? हाँ, सही कहा। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, गूगल मैप से आ गए। अभी कहाँ से आए हो? थोड़ा दूर से। दूर से मतलब? बीच रोड है ना, वहाँ से। पैसा मेरे दोस्त के पास है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तुम लोग गाड़ी से आए हो? हाँ। ए मनी, तुम गाड़ी के पीछे पीछे आना। मैं तैयार होकर आता हूँ। हम इससे पहले कहीं मिले हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। कहाँ रहते हो? कोची में, बहुत सालों से। वहाँ क्या काम किया? मैं वहाँ ऊबर चलाता था। मेरे पास एक ड्राइवर था, मेरी तरह भाई से मिलने जाता था। हाँ। भाई बोले तो मेरा एक पुराना दोस्त, उसी के पास ही वो सारे पैसे हैं। मेरा ही दोस्त होकर पैसा देने के लिए आगे पीछे घुमा रहा था मुझे। कल मैंने उसको फ़ोन किया कि पद्मा सर का पैसा वापस लौटाना है मुझे। अगर तुमको पैसा नहीं मिला तो पद्मा सर मुझ पर भड़क जाएंगे। हाँ तो पैसे आज ही मिलेंगे ना? हाँ आज ही मिल जाते, लेकिन वो सारे पैसे लेकर, मेरा ही दोस्त होकर, मेरे ही पैसे लेकर, मुझे ही धोखा देकर वो दुबई चला गया। और दुबई जाके 3 दिनों में एक कार एक्सीडेंट से वो मर गया। हाँ, मैं 1 घंटे में पहुंचूंगा, तुम पैसे तैयार रखना। तू अभी ऑफिस में ही है ना? मैं हूँ, मैं अभी ऑफिस आया हूँ। ओके ओके। तो ये कहना मैं एक जरूरी काम से बाहर गया हूं। तू मुझे धोखा देकर भागना चाहता है ना? ये पैसे लेकर घर जा रहा है क्या? मुझे पद्मा सर ने बताया था। पैसा ले लो। हेलो सोलोमन। हेलो सनाफर। तो कुछ पैसे कन्वर्ट करने की बात कर रहा था ना, तूने आगे कुछ बताया नहीं। रेट फिक्स किया था ना? उतनी अमाउंट के लिए एक नई पार्टी आई है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उनसे मिला दो क्या? फिर 6 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। कैन यू डू मी फेवर? कैन यू शो मी द पार्टी? उन्हें दिखा सकते हैं? कैसे करूं? सनाफर, तुम जो बोलोगे वही भाव। ओनली वन कंडीशन, वो दोनों वहां से बच के नहीं जाना चाहिए। दैट्स हाउ आई रन माय बिजनेस। मस्जिद। अब हम क्या करेंगे? वो वाटर टैंक की तरफ जाएंगे। ठीक है। सलमान है। आप कौन हैं? अरे कोई इस तरह की हरकत करता है तो पता है हमारे गांव वाले क्या करते हैं? घर में घुस के मारते हैं। तू अंदर जा। सोलोमन, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए सारे पैसे तुम खुद हजम करने के बारे में कभी मत सोचना। चारों तरफ केवल घर ही घर है, होटल है कि नहीं? आधी रात को क्या तुम्हारा बाप होटल खोल के रखेगा? हा? तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए तुम? बोलना यार। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो बताओगे? तू कुछ भी मत कर, मैं यहाँ किसी के घर में घुसकर खाने का इंतजाम करता हूँ। घर में घुस के खाने का इंतजाम? अबे पागल है क्या, बहुत मार खाएगा। अरे मैं खाना लाता हूँ, तू खा तो सकता है ना। मैं चोरी का लाया खाना नहीं खाता। जरा रुक दो, मुझे जिस घर में घुसना है वो घर यही है, पकड़ इसे। लगता है इस पागल की वजह से मैं भी मार खाऊंगा। मस्जिद। हाँ? खाने के इंतजाम के लिए ये कर रहा था। चित्रा, तुम अंदर हो क्या? हाँ मैं यही हूँ। तू यहाँ क्यों पड़ा है? हाँ, मुझे फोन नहीं कर सकता था? मैं होश में ही नहीं था, तू ही बता मैं क्या करता। चलो मैं बेल एप्लीकेशन लेकर आई हूँ, किसी भी वजह से उसे जेल मत भेजिए सर। वैसे भी मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार ही हो गया था। आज के बाद ऐसा केस कभी मेरे सामने मत लाना। अब वेट करिए। होशियारी खराब हो चुकी है।